का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर कैसे पर। जैसा कि पिछले संडे को आपने देखा होगा कि मई मंथ और जून मंथ आपके पेपरों के मतलब एग्ज़ाम के ही जो मंथ कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए मई में पिछले 2-3 साल से सिविल सर्विस और पीसीएस का आपके एग्ज़ाम पड़ता है। इस बार ऐसा संयोग हुआ है कि 14 मई को तो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, आज 21 मई को एमपी पीसीएस का पेपर हुआ है, हरियाणा सिविल सर्विस का भी हुआ है, ठीक है, और अगले संडे को आपका आईएएस का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, ठीक है। इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे दिया जाएगा, ताकि देखिए चैनल पे रिव्यू इसलिए दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आप सब कई सारे पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको आइडिया मिलता है, देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इससे लेवल कितना बढ़ा सकते हैं, कितना डाउन दे सकते हैं, बेसिकली करंट अफेयर और जीएस का लेवल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर, देखिए क्या था। देखिए ये आपका पेपर आया था, देखिए किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, देखिए ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें आपके जॉन मैकार्थी जी थे, ठीक है। साइबर सुरक्षा का पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी बेस्ड रहे एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का देखिए प्रयोग किया जाता है, देखिए किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना करी है, ठीक है। क्योंकि MBBS का पेपर है तो कुछ वहाँ के भी क्वेश्चन रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आपका पूछा गया है, पहले देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जी वी मालवांकर जी थे, सभी को पता है, ठीक है। एफेंटेक्स के बारे में पूछा गया है आपका, ठीक है, ये देखिए, ठीक। FAO का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आए हुए थे, ठीक है। ये देखिए आपका कई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे यूपीपीसी में नहीं पूछा गया था, पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है। द्रोणाचार्य देखिए अवार्ड पूछा गया है 2020 का, ठीक है। चीफ आर्मी स्टाफ पूछे गए हैं आपके, ठीक है। अप्रैल 2023 में कौन बने हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल, तो एक हिसाब से देखा जाए UPPCS से कंपेयर किया जाए तो एज़ कम्पेयर टू मुझे तो ये पेपर इजी लग रहा है, एज़ कम्पेयर इजी टू, क्योंकि ये मॉडरेट था, ये इजी है, ठीक है। आपका एक इजी लेवल कहा जाएगा UPPCS में, अगर आप 80% स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें कम से कम आपके 100 स्कोर तो होंगे, क्योंकि CSE तो देखिए लियोनेल मेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका आर्मी स्टाफ पूछ लिया गया है डायरेक्ट, ठीक है। देखिए निर्मल अवार्ड, ठीक है, ये निर्मल वर्मा के बारे में मध्य प्रदेश के ही हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। करंट अफेयर्स जो आपको बताया गया, देखिए आयुष का पूरा नाम पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आपके, अब ये जो यूपी में समीक्षा अधिकारी का पेपर देने वाले ना वो ज़रूर देख लें। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट पूछी गई, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त, 7 अगस्त तो होगा, 10 अगस्त भी नहीं होगा, 9-6 बच रहा है, ठीक है। आपका अब आप अंदाजा लगाइए कितने नियर अबाउट आपके आप समझाते हैं। देखिए विजयनगर अंपायर इस्टेब्लिश कब किया गया था पूछा गया था, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका पेपर था, इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है, इसका देखिए शेड्यूल कास्ट पे आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन जो है आपको आपके चैनल पे अभी कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। फुल आंसर की फुल पेपर सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। UPPCS से ईजी था, अगर ओवरऑल इस पेपर को देखें, देखिए 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ MP देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आए थे, अगर आप ओवरऑल अटैम्प्ट मेरा अकॉर्डिंग मान के चलें तो मिनिमम 70 अटैम्प्ट तो आपको इसमें करना ही चाहिए था, ठीक है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या होगा ये फुल आंसर किया जाए उसके बाद ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ UPPCS जो लेवल लगता है उससे काफ़ी कम लेवल मुझे लगा इस पेपर में, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा लगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जब करने बैठे तो थोड़ा और टफ लग जाता है पेपर, अभी तो ईजी लग रहा है, फिर भी आपका अगर ओवरऑल एवरेज अटैम्प्ट मान लीजिए 65 to 72 के बीच में अटैम्प्ट अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।